Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed, and today's video I am going to talk about ASMO regulations. ये chapter number 2, second year की बयारी से topic है ASMO regulations. So what is basically ASMO regulations? We may define the word ASMO regulation as that is called definition is. ASMO regulation. What is ASMO regulation? It is a type of homeostasis. What is this? It is a type of homeostasis. That is called homeostasis. And which water and ions concentration is maintained. Concentration is maintained. That is called maintained. And intracellular fluid. What is basically ASMO regulations? So ASMO का यहाँ मुराद होता है osmosis, और basically osmosis क्या है, later हम पढ़ते हैं. osmosis से मुराद ये होता है कि जब water जो है move करता है from low concentration toward the high concentration, और वो axial permeable membrane से pass होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम basically called osmosis. यहाँ पे बात करते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस क्या होता है, जब इंटरनल कंडीशन एक्सटर्नल कंडीशन के साथ कांस्टेंट किया जाता है उसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं. एंड व्हिच वाटर एंड आयंस कंसंट्रेशन इज मेंटेन एंड सेल. सेल के अंदर वाटर और आयंस की कंसंट्रेशन को जब मेंटेन किया जाए, या एंट्रा मीन इनसाइड सेल सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको बरकरार रखा जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली ASMO रेगुलेशन कहते हैं. अच्छा, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं. अकॉर्डिंग टू FSC टेक्स्ट बुक, वाटर एंड वी कॉल इट हियर आयंस, वाटर प्लस आयंस, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं. ये एनिमल के लाइफ में एक अहम रोल प्ले करता है. किसके लाइफ में? दैट वी कॉल हेल्थ ऑफ, दैट इज कॉल्ड हेल्थ ऑफ एनिमल्स. हेल्थ ऑफ एनिमल्स वी कॉल इट हियर एनिमल्स. और अगर हम इसे बात नेक्स्ट देखें तो आपको पता है जो मैकेनिज्म है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ होता है. और दूसरा बात यह कि जो ऑर्गेनिज्म जहां जिस जगह पर रहते हैं इसके हैबिटेट के लिहाज से भी इसकी मेथड जो है डिफरेंट होती है, और वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम पेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, ये जो मैकेनिज्म होगा यानी होमियोस्टेसिस के मैकेनिज्म जो है ना, ये बेसिकली वेरी होता है. वेरी से मुराद होता है डिफरेंट होता है अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में ये ASMO जो ASMO रेगुलेशन है वो डिफरेंट होता है. और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म यानी हैबिटेट के लिहाज से भी डिफरेंट होता है. हैबिटेट के लिहाज से भी ये डिफरेंट होता है. और फिर ये जो प्रॉब्लम पेश करते हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम पेश कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं, यार इसको हम कहते हैं चैलेंजेस. दैट इज कॉल्ड चैलेंजेस. इसको हम क्या नाम देते हैं, चैलेंजेस. अब आते हैं और इसके साथ जो क्लोज टॉपिक है उसका नाम है वाटर और सॉल्यूट रिलेशनशिप. वो हम पढ़ते हैं कि वाटर और सॉल्यूट रिलेशन में क्या फर्क है. चलो इसको देखते हैं कि वाटर और सॉल्यूट रिलेशन क्या है. सो अगर हम यहां से देखें वाटर और सॉल्यूट रिलेशन हम अगर यहां पे बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड वाटर एंड सॉल्यूट रिलेशंस. दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट्स रिलेशंस. क्लियर, वी कॉल इट हियर रिलेशंस वाटर, एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रिलेशंस. आपको पता है जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली दो चीजों से बना होता है. एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट. सॉल्वेंट कौन सा होता है, जो मकदार में ज्यादा होता है. सॉल्यूट कौन सा होता है, जो मकदार में कम होते हैं. यहां पे मुराद होता है सॉल्यूट से मुराद इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस से मुराद है. तो आपको सिंपली पता है कि एनिमल के बॉडी जो है ना, एनिमल के जो बॉडी है वो बेसिकली कितने परसेंट पानी से बना है,
वो कंपोस्ट ऑफ, दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट ऑफ 70% वाटर। बट ये जो क्वांटिटी है ये वेरी होता है, सेल टू सेल ये वेरी होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये सेल टू सेल वेरी होता है, दैट इज कॉल्ड वेरी होता है सेल टू सेल। सेल टू सेल ये क्या होता है, वेरी होता है। इसके अलावा जो वाटर है, वाटर जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो प्ले करते हैं हमारी लाइफ में एक सिग्निफिकेंस, यानी हमारी जिंदगी में एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। बेसिकली हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस। अगर हम इसको ठीक करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है किस में, यानी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है। वाटर क्या प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। और इस मीडियम में क्या होता है, इस मीडियम में बेसिकली होता है बायोलॉजिकल रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। और आपको पता है वाटर की मूवमेंट जो है वो कौन से प्रोसेस से होता है, वो बेसिकली ऑस्मोसिस की वजह से होते हैं। बेसिकली क्या है, जब वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है और वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होता है, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे, ऑस्मोसिस का नाम। ऑस्मोसिस के लिहाज से क्लासिफिकेशन भी करवाएंगे लेटर ऑन। हमारी बॉडी में यानी वाटर प्लस सॉल्यूट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड जरूरी है। तो हम ऑस्मोसिस के बेस से ऑर्गेनिज्म को दो पे डिवाइड करते हैं, यानी ऑस्मो रेगुलेटरी कैरेक्टर के बेस में, कौन से, यानी ऑस्मो रेगुलेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से ऑर्गेनिज्म बेसिक दो तरह के होते हैं। और यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्मो रेगुलेटरी के बेस में ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक का नाम है ऑस्मो रेगुलेटर्स और दूसरे का नाम है ऑस्मो कंफर्मर्स। सो लेट्स डिस्कस करते हैं कि ऑस्मो कंफर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो कंफर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर कौन से ऑर्गेनिज्म है। तो लेट्स डिस्कस करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन यानी ऑस्मो कंफर्मर्स और दूसरा क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो कंफर्मर्स। सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सबसे पहले इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म आएगा, इनमें से लैंड के ऑर्गेनिज्म आएंगे, लैंड एनिमल्स इसमें आएंगे और प्लस इसके साथ आएंगे वर्टेब्रेट्स आएंगे। और ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो इसके इंटरनल कंडीशन जो है वो एक्सटर्नल कंडीशन से डिफरेंट होते हैं। और वो कौन सा कंडीशन हो सकता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल इसमें टू आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन की बात करते हैं, यानी कंडीशन हो गया और दूसरे का नाम है दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक कंडीशन होगा। तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देंगे, उसको हम बेसिकली नाम देंगे ऑस्मो रेगुलेटर, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल अब इस कंडीशन में अगर एक ऑर्गेनिज्म है, इसके बाहर के माहौल हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक से क्या मुराद है, अभी बताता हूं कि हाइपोटोनिक से क्या मुराद है। देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, और यहां पे कंडीशन क्या है, हाइपोटोनिक कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, हाइपोटोनिक कंडीशन से मुराद होता है कि यहां पे साल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत कम है। और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे वाटर यानी हाई वाटर है, यानी यहां पे वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, यहां पे वाटर जो है कम है। तो अब देखो
इस हालत को बरकरार रखने के लिए क्या करेगा, यहां से वाटर मूव करेगा और वो सेल के अंदर जाएगा, वाटर मूव करेगा और सेल के अंदर जाएगा। तो फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन से वाटर मूव कर रहा है सेल के अंदर और वहां सेल के अंदर कंसेंट्रेशन वाटर की मिकदार क्या है, ज्यादा है। तो यहां इस प्रोसेस को हम फिर क्या नाम देंगे, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसका नाम क्या देंगे, ऑस्मोसिस। और इस तरह ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना होमियोस्टेसिस है वो मेंटेन करता है। दूसरा, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म को क्या ऑस्मो रेगुलेटर यानी ऑस्मो रेगुलेटर में आता है, एक ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर पानी क्या है, कम है, जिसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड हियर हाइपरटोनिक कंडीशन की बात करते हैं, हाइपरटोनिक, दैट इज कॉल्ड टोनिक कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है कि यहां पे साल्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, यहां पे साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे साल्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, यहां पे साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। और अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे वाटर, वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, लो वाटर है, लो वाटर है, लो क्या है, लो वाटर है। तो आप देखो, और यहां पे वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, यहां पे वाटर ज्यादा है, यहां पे वाटर ज्यादा है। तो ये यहां से क्या होगा, अब आपको पता है वाटर लो से हाई की तरफ जब जाएंगे तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और इसको हम क्या नाम देंगे कि जब मोमेंट लो से हाई की तरफ होते तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं, उस ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसका नाम क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पर भी एनर्जी की जरूरत होगी, यहां पर क्या होंगे, यहां पर भी एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एस आल्सो कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें पानी अंदर की तरफ आ रहा है, पानी बाहर की तरफ आता है, अगर ऑर्गेनिज्म में ये होता है तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म कहलाया जाएगा, उसको हम ऑस्मो रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। अब इसके बाद लास्ट वन रहता है जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक कंडीशन कौन सा होता है, या आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें इंटरनल एनवायरमेंट बाहर के साथ सेम होता है, तो उनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, उसको हम ऑस्मो कंफर्मर्स कहते हैं। इसमें बेसिकली फिशेस आते हैं, जो पानी में रहते हैं उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है अब डिस्कस करते हैं, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनमें से फिशेस आता है, ऑस्मो कंफर्मर्स। अगर हम यहां पर देखें तो इसमें आता है ऑस्मो कंफर्मर्स, कंफर्मर्स आता है, इसमें कौन से आते हैं, ऑस्मो इनमें से एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं, इनमें से एक्वेटिक एनिमल आ सकते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, एक्वेटिक्स। एक्वेटिक कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश वगैरह हो गया। अब आपको पता है इसमें कौन सा कंडीशन होगा, इसमें होगा आइसोटोनिक कंडीशन, टोनिक कंडीशन होगा, दैट इज कॉल्ड, यानी इससे मुराद ये है कि इंटरनल कंडीशन एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ सेम है। तो क्या होगा, आप देखो यहां से कर देखिए कि ये आपके पास एक्सेल है और यहां पे आपके पास क्या है, यानी इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक कंडीशन है, आइसोटोनिक कंडीशन है। यहां पे भी साल्ट और यहां भी साल्ट की कंसेंट्रेशन इक्वल है, तो अगर आप देखिए जितना पानी आ रहा है सेल के अंदर उतना पानी जो है वो क्या होगा, सेल से बाहर जाएगा। तो इस कंडीशन को हम फिर क्या नाम देंगे, इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक कंडीशन इसको कहा जाता है। और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें आइसोटोनिक कंडीशन होता है उसको हम बेसिकली नाम देते हैं आइसो कंफर्मर्स। और इसकी एग्जांपल बेसिकली क्या है, स्टार फिश है। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया, दैट्स एंड।